फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी ईटिंग विद शिखा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वेनिला एसेंस, सेकेंड फ्रेश क्रीम और थर्ड है कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप घर में दूध को बराबर चलाते हुए पका लीजिए, इसको थिक कर लीजिए और इसमें शुगर ऐड कर दीजिए, ये बन जाता है कंडेंस्ड मिल्क। और फ्रेश क्रीम बनाने के लिए आप मलाई को एक छन्नी पे रखिए, हल्के हाथ से इसको चलाते रहिए, इसमें से थिन पार्ट नीचे ड्रॉप हो जाएगा, वो होगा आपका फ्रेश क्रीम, और जो ऊपर थिक पार्ट बचेगा उसको आप घी वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम बनाएंगे वेनिला आइसक्रीम, जो कि होगा बेस हमारी अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम के लिए। तो चलिए बनाते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप फ्रेश क्रीम, 1 कप कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस। सबसे पहले मैंने एक वाटर बाथ बना लिया है, इसमें मैंने बर्फ डाल के रख लिया और अपने बोल को भी फ्रीज़र में रख लिया था। ये क्रीम मैं इसमें डाल देती हूँ। इस क्रीम को हमें 8 से 10 मिनट तक फेंटना है। काफ़ी देर फेंटने के बाद ये थोड़ी सी लाइट हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 चम्मच वनीला एसेंस। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। अब ये बेस हमारा रेडी हो चुका है, अब हम बनाते हैं अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम। बटर स्कॉच में जो क्रंच होता है उसको बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून चीनी, और इसको एक मोटे तले के बर्तन में लगातार चलाते हुए पकाइए। चीनी ने पिघलना शुरू कर दिया है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है, गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए। इसमें मैंने मिला दिए हैं टूटे हुए काजू और इसको एक ग्रीस की हुई प्लेट पे फैला लीजिए। अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है, जो बटर स्कॉच बनाने के लिए मैंने क्रंच बनाया था उसको मैंने प्लेट से निकाल लिया है। इसको मैं क्रश करके रख लूँगी। मेरे पास है स्ट्रॉबेरी क्रश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए, मैंगो आइसक्रीम के लिए मैंने मैंगो पल्प ले लिया है, मेरे पास है कोकोआ पाउडर चॉकलेट आइसक्रीम के लिए, चॉको चिप्स आइसक्रीम बनाने के लिए मेरे पास कुछ चॉकलेट चिप्स हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी चॉकलेट को क्रश कर लीजिए। मेरे पास केसर पिस्ता के लिए है क्रश किया हुआ पिस्ता और केसर। मेरे पास कुछ बेरीज हैं स्ट्रॉबेरी और रसबेरी ड्राइड, मेरे पास एक रसबेरी रेड कलर है। तो चलिए बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स को जमाने के लिए हम इस तरह के कप्स ले सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी आप बर्तन में जमा सकते हैं, बस आइसक्रीम्स को ढक के जमाना ज़रूरी है। थोड़ा सा बेस मैं अलग निकाल के रख लेती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है स्ट्रॉबेरी क्रश 2 चम्मच। स्ट्रॉबेरी क्रश को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें निकाल लिया है। नेक्स्ट फ्लेवर के लिए मैं बेस में मिला रही हूँ मैंगो पल्प। नेक्स्ट बेस में मैं मिलाऊँगी ये क्रश किया हुआ क्रंच। इसको मैं एक कप में निकाल लेती हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम के लिए मैं मिला रही हूँ इसमें 1/4 स्पून कोकोआ पाउडर, थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। नेक्स्ट फ्लेवर के लिए मैंने चॉको चिप्स वनीला में डाल दिए हैं। केसर पिस्ता के लिए थोड़ी सी केसर में पानी डालिए, इसको पानी के साथ ही इसमें पोर कर दीजिए। पिस्ता भी डाल दीजिए, कप में नीचे थोड़ा सा पिस्ता डाल दीजिए और उसके ऊपर से ये मटेरियल डाल दीजिए। रसबेरी फ्लेवर के लिए मैंने ये रसबेरी रेड कलर लिया है, ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह से मिलाया नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके छोड़ दिया है। इसमें कुछ ड्राइड बेरीज मैं डाल दे रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास ये वनीला थोड़ा सा रह गया है तो इसको मैं एक कप में डाल दे रही हूँ। हमें अपने सारे कप्स को ऐसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर करना है।
सारी आइसक्रीम्स को कवर कर लीजिए और इनको 4 से 6 घंटे के लिए जमा दीजिए। आइसक्रीम्स रेडी हो चुकी हैं, इनको मैंने ओवरनाइट जमा लिया है और अब मैं इनको डेकोरेट कर लेती हूँ। आइसक्रीम्स निकाल ली हैं, इनको हम डेकोरेट कर लेते हैं। ये हो चुकी है हमारी सारी आइसक्रीम्स रेडी। चलिए आप लोग आइसक्रीम्स टेस्ट करिए और बताइए आइसक्रीम्स कैसी बनी है। लक्ष, आपकी आइसक्रीम कैसी है? यम्मी। हनी, आपकी आइसक्रीम कैसी है? यम्मी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बाय।